Assalamualaikum. How are you kids? How are you all? I hope you all are fine and doing well with the grace of Allah Almighty. So, what's going on? How's going your day? आपका दिन कैसा गुजर रहा है आज? Did you watch my previous video? क्या आप सबने मेरी पिछली वीडियो देखी थी? What will you learn from it? आपने उसमें से क्या सीखा? वाउल्स किस किस को समझ आए थे? अगर आपको वाउल्स नहीं समझ आए तो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी कोई और वीडियो बना के वाउल्स के बारे में, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड वन न्यू टॉपिक. आज हम एक और न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, बट लेट्स डिस्कस द डेट फर्स्ट. लेकिन उससे पहले हम डेट देख लेते हैं कि आज क्या डेट है. व्हाट इज़ द डेट टुडे? सो द डेट इज़ 5th अप्रैल 2021. एंड व्हाट इज़ द डेट टुडे? जी कौन सा दिन है आज? यस टुडे इज़ मंडे. टुडे इज़ मंडे एंड आवर सब्जेक्ट इज़ English. और हमारा सब्जेक्ट है English. And our topic is consonant. आज हमारा टॉपिक है consonant. Okay, Preplus, tell me what is consonant? Consonants क्या होते हैं, किसी को पता है? Okay, let me tell you. मैं आपको बताती हूँ consonant क्या होते हैं. A consonant is a speech sound that is not a vowel. Consonant is a speech sound that is not a vowel. Now we will see some words and you will say the sound of these words. अब हम एक कुछ words देखेंगे और आप लोग मुझे उन words के sounds बताएंगे. Okay? Now let's starting. We are going to say the sound. हमने क्या करना है? हमने उन letter का sound बताना है. Now you have a first consonant. Consonant B. Okay, say loud some words which are starting from letter B. कुछ ऐसे words बताएं जोर से जो के letter B से start होते हों. Just like, जैसे के, ball. Book. Bus. Ball. Book, bus. So let's do the next consonant, which is C, and the sound of C is K. Let's make some words from C. चलिए आए C के sound K से कुछ words बनाते हैं. Open the mouth and say. Cat. Cat. Cow. Cow. Cat. Cow. And the last one is cap. Cap. Cat, cow, cap. Cat, cow, cap.
So let's move on the other next consonant, which is letter D. And the sound of letter D is D. Let's make some words from D. D. A. Who. Doll. D. A. G. Dog. D. Her. A. Drum. Doll, dog, drum. Doll, dog, drum. Okay, so now let's go to the next consonant, letter F. Okay, let's make some words from letter F. Fan. Next one is fish. And the last one is fin. Fan, fish, fin. Fan, fish, fin. Good. Next one is letter G. Let's go to G. Let's go to G. Let me have some words from letter G. And the sound of letter G is G. चले जी के साउंड से कुछ वर्ड्स बनाते हैं. जस्ट लाइक ग इर हर उ गर्ल. जस्ट लाइक ग A. Gun. And the last one is G. Gum. Girl, gun, gum. Girl, gun, gum. Now we go to another sound, that is H. Say loud some words of H. Like H. A. T. Hat. H. A. D. Hand. And the last one is H. O. U. S. E. House. So these are the six consonants which I have learned to you today.
सो वट विल यू डू? अब आपने क्या करना है? यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी. अब आप ये एक्टिविटी करेंगे, बट द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन डू इट. अब आप मुझसे पूछेंगे, टीचर हम ये कैसे कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, तो मैं आपको बताती हूँ. आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे हर कंसनेंट का एक एक कॉलम बनाना है. और जिस तरह मैंने ये ऊपर लिखा है ना, स्टार्टिंग में कंसनेंट का नेम, जैसे कि कंसनेंट एच एंड इसका साउंड ह, इसी तरह आपने एक कॉलम बनाना है, ऊपर उस कंसनेंट का नेम लिखना है और नीचे फोर फोर वर्ड्स लिखने हैं उससे रेलिवेंट, ठीक है, जो कि उसके साउंड से बन रहे हो, मैच हो रहे हो, ठीक है, जैसे हैट, हैंड, हाउस, हर्ट. ओके प्रेप्लास, लुक एट योर स्क्रीन एंड टेल मी विच लेटर इज दिस. यस, दिस इज लेटर बी. दिस इज लेटर बी. विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर सी एंड द साउंड ऑफ लेटर सी इज ख. ओके टेल मी विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? यस यू आर राइट, दिस इज लेटर डी एंड द साउंड ऑफ लेटर डी इज ड. दिस इज लेटर एफ एंड द साउंड ऑफ लेटर एफ इज, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज लेटर एफ. एंड दिस इज लेटर जी एंड द साउंड ऑफ लेटर जी इज, क्या साउंड है लेटर जी की? यस, साउंड ऑफ लेटर जी इज घ. एंड दिस इज लेटर एच. ये कौन सा लेटर है? लेटर एच. एंड द साउंड ऑफ लेटर एच इज ह. एंड एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज लेटर जे एंड द साउंड ऑफ लेटर जे इज ज. ओके टेल मी विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? जी हाँ, दिस इज लेटर के एंड द साउंड ऑफ लेटर के इज क. दिस इज लेटर एल एंड द साउंड ऑफ लेटर एल इज, क्या साउंड होता है लेटर एल का? यस, लेटर एल इज ल. दिस इज लेटर एम एंड द साउंड ऑफ लेटर एम इज ओके टेल मी विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? यस, दिस इज लेटर एन. दिस इज लेटर एन एंड दिस इज लेटर पी. एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेटर है पी एंड द साउंड ऑफ लेटर पी इज प. दिस इज लेटर क्यू एंड द साउंड ऑफ लेटर क्यू इज क्व. As you see on your screens, this is letter Q. And tell me which letter is this? कौन सा letter है ये? Yes, this is letter R. ये कौन सा letter है? Letter R. And this is letter S. And the sound of letter S is, क्या sound होती है letter S की? Yes, sound of letter S is. This is letter T. एंड द साउंड ऑफ लेटर टी इज ट. साउंड ऑफ लेटर टी इज ट. ओके टेल मी विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? यस, दिस इज लेटर वी. दिस इज लेटर वी एंड द साउंड ऑफ लेटर वी इज व. दिस इज लेटर डब्ल्यू एंड द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज व. दिस इज लेटर एक्स एंड द साउंड ऑफ लेटर एक्स इज, क्या साउंड होता है लेटर एक्स का? यस, दिस इज लेटर वाई. दिस इज लेटर वाई एंड द साउंड ऑफ लेटर वाई इज य.
एंड द लास्ट वन इज लेटर जेड. ये कौन सा लेटर है प्रेप क्लास? दिस इज लेटर. लेट्स से अ बी, बी लाइक बेयर. लेट्स से एन एफ, एफ लाइक फन. लेट्स से अ डी, डी लाइक डॉग. लेट्स से एन एच, ह ह ह, एच लाइक हॉट. दैट वॉज अवर टूडेज टॉपिक. आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, कंसोनेंट के बारे में समझ आया होगा. और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझे बताएं, डू इनफॉर्म मी. मैं आपको एक और वीडियो बना के कंसोनेंट की बता दूँगी, समझा दूँगी. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. नाउ टेक केयर. अल्लाह.